तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय आप लोग रुक जाने परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का अपना राजनीति शास्त्र विषय का पेपर देकर आ चुके होंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला था। तो आप सब लोग जल्दी से अपने पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा कि कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सही हुए और कितने नंबर के आपके गलत हो गए। तो चलिएगा जल्दी से मिलान करते हैं। पेपर कुछ इस प्रकार का था और मैंने आपको जो मॉडल सेट पेपर उपलब्ध करवाए थे ना, पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से फंसा है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं गया है। अगर आपने मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए दोनों मॉडल सेट पेपर अच्छे से देख लिए होंगे ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से आया है, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं गया है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला था। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। सही विकल्प इस प्रकार से आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, भारतीय रियासतों की संख्या थी 565, क्या लिखना यहाँ से आपको 565। वैसे यहाँ पर 565 ही ऑप्शन था, 562 अगर होता वो भी सही होता, ठीक है ना। उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई, तो देखो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ये अगर आप करके आए होंगे तो ये पूरा का पूरा सही है आपका। शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में हुआ था, अगर आपने ये लगाया होगा तो ये सही है पूरा। किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, देखो नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, स नंबर का इसका सही है। उसके बाद में सूचना का अधिकार विधेयक पारित हुआ 2005 में, और उसके बाद में 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ, तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था 11 दिसंबर 2001 को, तो यहाँ से देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन थे, तो आशा करता हूँ कि आप भी इनको समझ गए होंगे। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान, सोवियत आर्थिक प्रणाली केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में थी, क्या लिखोगे यहाँ पर, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में थी। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, 15 है, तो यहाँ पर आपको 15 लिख देना है। मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ होता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना सुरक्षा, तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, सुरक्षा। उसके बाद में यहाँ पर पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। वैश्वीकरण की शुरुआत में हुई थी, तो देखो कब हुई थी, 1990 में। जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लो। और आशा करता हूँ कि इतना तो आप लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका रुक जाना नहीं परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पेपर कैसा गया और कितने नंबर के आपके सही हुए हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग रुक जाना नहीं कि पेपर दे रहे हो, तो आपको एक बात बता दूँ, आप लोग ये काम किया करो कि जितना पेपर आपको अच्छे से आ जाता है उतना पेपर तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से जमा के कर दो, और जो क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जिनके उत्तर आपको लिखना नहीं आते हैं उनके उत्तर कुछ भी आप लिख दो, अपनी मर्जी से जो बन पड़े वो लिख के आओ, मगर छोड़कर बिल्कुल भी मत आना, ठीक है ना। अगर इस बार आपको पास होना है ना, तो कोई सा भी प्रश्न छोड़कर मत आना। अब ये मत सोचना कि हमें तो सिर्फ 50 नंबर चाहिए, 50 नंबर का हम हल कर दें। आप ऐसा समझो कि अगर आपको 50 नंबर चाहिए ना, तो आप 100 नंबर का पेपर हल करके आओ, क्योंकि पूरा सही तो आपने किया नहीं है, कटते कटते आपको कम से कम 50 तो मिलेंगे। और अगर आपको 40 नंबर चाहिए तो 80 नंबर का हल करके आओ, तो इसलिए आप तो पूरा ही हल करके आओ ना। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका 80 नंबर का पेपर होता है, तो टोटली 80 नंबर का सही करके आओ, तब तो आपके 40 आएंगे, ठीक है ना। तो छोड़कर कुछ भी मत आया करो, जो भी आपसे बन पड़े वो आप लोग लिखकर आया करो, ठीक है ना। तो देखो ये तो मैंने सभी आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लेते हैं। श्रीलंका के जाति संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख थी, तो देखो तमिल और सिंगनी समुदाय की भूमिका प्रमुख थी। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है, तो देखो परंपरागत श्रेणी में आती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का। जय जवान जय किसान नारे का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। 2014 के चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी। ओबीसी का विस्तारित रूप क्या होगा, अदर बैकवर्ड कास्ट, या यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अन्य पिछड़ा वर्ग। राजग का पूरा नाम, तो देखो इसका पूरा नाम होगा राष्ट्रीय जनता दल। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको आगे के पेपर का मिलान भी करवा देता हूँ। देखो आगे का पेपर ऐसा होगा आपका, पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सन 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये भी सत्य होगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया, ये भी सत्य है। दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन की स्थापना सन 1967 में, ये भी असत्य होगा। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, यह असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें।
उसके बाद में देखो जोड़ी की अम्लान, यहाँ से देख लो आप सब लोग जोड़ी कैसे पूछी जाएगी। जोड़ी में पहला क्वेश्चन सीमित परमाणु परीक्षण संधि, तो ये हुई थी 1963 में और इसको CTPT नाम से जाना जाता है। देखो जोड़ी जैसी मैंने बताई थी ना, वैसी की वैसी पूरी की पूरी जोड़ी आ सकी है, आ चुकी है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं छूटा है। सोवियत संघट विघटन हुआ था 1991 में, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 में। जो ऐसे बच्चे जो कि रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं ना, वो तो बिल्कुल पास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग चाहे तो वीडियो डाला भी जोड़ी को देख सकते हो। जोड़ी जिस प्रकार की मैंने बताई थी ना, वैसी की वैसी पूरी की पूरी जोड़ी आपकी आ चुकी है। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, आपातकाल और उसके बाद में चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था, आपातकाल का 1975 में, और देखो भारतीय किसान यूनियन की जोड़ी मिल जाएगी BKU से। किससे मिलेगी? BKU से इसकी जोड़ी मिलान कर लेना है। और उसके बाद में छात्र संगठन आसू हो जाएगा, AV रामास्वामी नायर, ये इसकी हो जाएगी पेरियार। तो देखो जोड़ी तो पूरी की पूरी वैसी की वैसी आ गई, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो ये बाकी के क्वेश्चन ये आपके पूछे गए हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से हल कर दिया होगा। वैसे कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया था, जो जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताए थे मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसी में से पूरा का पूरा पेपर फंसा आपका, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं गया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, और आपका जो भी अगला पेपर होने वाला है वो बहुत ही जल्दी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप सब लोग उनकी तैयारी अच्छे से जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।